नागशिला जिले के हटौन तक आने वाले 12 मुहालों को राज्य सरकार और एनएचएआई ने पंडोह से बदलकर बिलासपुर के साथ जोड़ दिया है। अब इन मुहालों के फोरलेन प्रभावितों को अपनी जमीन के अधिग्रहण से संबंधित सभी कार्रवाइयों को पंडोह की बजाय 80 किलोमीटर दूर जाकर बिलासपुर में पूर्ण करवाना होगा। इसी बात को लेकर फोरलेन प्रभावित भड़क उठे हैं और फिर से सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। बुधवार को फोरलेन प्रभावितों ने चक्कर स्थित एनएचएआई के परियोजना अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और राज्य सरकार तथा एनएचएआई के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उपरांत इसके प्रभावितों ने कार्यालय में मौजूद अधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से इन्होंने मांग उठाई है कि नागशिला से लेकर हटौन तक के सभी प्रभावितों को भू अर्जन अधिकारी कार्यालय पंडोह में ही शामिल किया जाए, क्योंकि इन्हें अपने कार्य करवाने के लिए 80 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। फोरलेन प्रभावित संघर्ष समिति के अध्यक्ष ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर का कहना है कि सोची समझी साजिश के तहत राज्य सरकार और एनएचएआई ने यह निर्णय लिया है ताकि फोरलेन प्रभावितों का विभाजन किया जा सके और उन्हें अलग थलग किया जा सके। और देखिए, अभी एक बहुत चलाकी और एक बहुत बड़ा धोखा और बहुत एक शरारत जो कि हिमाचल सरकार और एनएचएआई ने मिलकर की है, जिसमें नागचला से लेके मंडी तक के जितने भी प्रभावित और विस्थापित है उनके लिए लैंड एक्विजिशन ऑफिसर जो है वो बिलासपुर के AC2DC बना दिया है। देखिए, ऑलरेडी पंडोह में 2 LO हैं और अब तो काम भी ज्यादा नहीं है। समझ में नहीं आता है कि लोगों को परेशान करने के लिए, उनको तंग करने के लिए, उनको उलझाने के लिए, उनको तोड़ने के लिए ये पूरी कार्रवाई की गई है और हम इसका घोर विरोध करते हैं। नागचला से आगे के लिए ये तय होना है कि कितना मुआवजा कितना किसको मिलेगा वो भी अभी तय नहीं किया हुआ है और इस दौरान ऑफिस को यहाँ से ट्रांसफर करके बिलासपुर खोल के हमारे साथ अन्याय किया है, जो कि दोबारा वहाँ पर पंडोह में ही खोला जाना चाहिए। ये हमारे किसानों की अपनी मांगे हैं। वहीं फोरलेन प्रभावितों ने एनएचएआई के परियोजना निदेशक द्वारा पिछले कल एक दैनिक समाचार पत्र को दिए गए उस बयान का भी कड़े शब्दों में विरोध किया है, जिसके तहत इसी महीने नागचला से मनाली तक बनने वाले फोरलेन के कार्य को शुरू करने की बात कही गई है। प्रभावितों का कहना है कि जब तक उन्हें यही मालूम नहीं कि उन्हें कितना मुआवजा मिलेगा तो ऐसी स्थिति में कार्य शुरू कैसे किया जा सकता है। प्रावधानों के रखे गए प्रावधानों के अनुसार जितनी भी सुविधाएं हैं वो प्राप्त नहीं दी जाती और मुआवजा जो है इसके आधार पर उचित मुआवजा नहीं मिलता और जिलाधीश के द्वारा मार्केट वैल्यू जो है जमीन की निर्धारित नहीं की जाती और लोगों को ये पता नहीं चलता कि हमको कितना मुआवजा मिलना है और क्या हमारी मार्केट वैल्यू है। तब तक हम लोग जो है किसान लोग जो है प्रभावित अपनी जमीनों पे किसी भी एजेंसी को, ठेकेदार हो, एनएचएआई हो या दूसरी कोई एजेंसी, हम काम करने नहीं देंगे, ना तो अपनी जमीन उनको हस्तांतरित करेंगे जब तक हमको एक मुश्त इसका मुआवजा नहीं मिला। इन्होंने चेताया है कि जब तक 4 गुना मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक जमीनों पर किसी को भी जबरन कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। इन्होंने चेताया है कि जब तक इन्हें दोबारा से पंडोह कार्यालय के साथ नहीं जोड़ा जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, पंडी।